नमस्कार साथियों, सीटेट जुलाई परीक्षा पर नया नोटिस जारी। सीटेट की परीक्षा तिथि आगे बढ़ी। आज अभी अभी एक नया फैसला, जितने भी हमारे सीटेट जुलाई परीक्षा के छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं अंत तक बने रहें। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 से संबंधित जितनी भी अपडेट आती है आप सभी को सबसे पहले बताई जाती है। चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर सीटेट एग्जाम। दोस्तों गूगल पर जाइए, सर्च करिए सीटेट हिंदी प्रो। जैसे ही आप लोग सीटेट हिंदी प्रो सर्च करेंगे आपको यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी, इसको ओपन कर लेना। आपको बता दें सीटेट के एग्जामों पर तीन बड़े फैसले लागू किए जाएंगे। सीटेट का एग्जाम पैटर्न बदलने वाला है, एडमिट कार्ड होने जा रहे हैं जारी। सीटेट की परीक्षाओं पर तीन बड़े फैसले, एग्जाम को अब ऑनलाइन करवाया जाएगा। आपको बता दें केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा के लाखों छात्रों के लिए नया फैसला सुनाया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि अब सीटेट में जुलाई में होने वाली सीटेट की परीक्षाओं को अब आगे बढ़ाया जा सकता है। अब ये एग्जाम जो है आपके अगस्त तक शिफ्ट किए जा सकते हैं, यानी कि एग्जाम को अब आगे बढ़ाया जा सकता है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार एग्जाम आप सभी के 5 से 7 तारीख से शुरू होने थे, 5 से 7 जुलाई से, लेकिन अभी भी अगर बात करें तो यहाँ पे कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट, परीक्षा तिथियों में अब बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यही नहीं, अगर आप इस बार की सीटेट परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए तो आपको बता दें लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस बार परीक्षा को ऑनलाइन माध्यम में भी करवाया जा सकता है। इसको लेकर भी अभी तक कोई जो है सरकारी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस बार कई नए नियम जो है, कई बड़े नियम लागू होने वाले हैं। अगर आप भी सीटेट की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पे पूरी अपडेट जो है, पूरी जानकारी बता दी गई है। बताया जा रहा है इस बार 30 लाख से भी ज़्यादा छात्रों ने आवेदन किया है और यही मेन कारण है इस बार एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन करवाया जाए, क्योंकि पेपर लीक होने की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें इस बार एग्ज़ाम सीटेट का ऑनलाइन होना चाहिए या ऑफलाइन होना चाहिए। आपको बता दें एग्ज़ाम को ऑनलाइन कराने की मांग काफ़ी समय से छात्र कर रहे हैं। इससे पहले भी सीटेट की परीक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम में CBSE करवा चुका है। आगे इससे संबंधित जो भी अपडेट आएगी आप सभी सबसे पहले बताई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन।